जीवन में उत्साह बहुत बड़ी चीज है। यदि आपके जीवन में उत्साह है तो जीत आपकी होगी। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है। हम जानेंगे भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किस तरीके से करना है। जिन लोगों ने अपने घरों में, अपने घर के पास पंडालों में भगवान गणेश की मूर्ति विराजित कर रखी है, तो कैसे आप विसर्जन करें, उसके नियम क्या है, ये जानेंगे। और अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व का क्या महत्व है, क्या करना चाहिए, ये भी पंडित जी से जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकले ताकि आपको लाभ हो, और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लग तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः 11:44 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 1:53 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3:04 तक। और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है। पंडित जी, आज के दिन भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा पूरे देश भर में, तो ये भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के नियम क्या है? आज हम बात कर रहे हैं गणेश जी के प्रतिमा के विसर्जन की और अनंत चतुर्दशी की। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की उपासना के लिए गणेश चतुर्थी या गणेश महोत्सव का पर्व मनाया जाता है। भगवान गणेश के प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि को की जाती है और गणेश प्रतिमा का विसर्जन चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। चतुर्थी से चतुर्दशी के ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जाते हैं। माना जाता है कि जब भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन हो जाता है तो भगवान गणेश दोबारा से पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है, और जिस दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन होता है उस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। कुछ विशेष उपाय करके अनंत चतुर्दशी पर जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो इस दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन होता है, और दूसरा
इस दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अचानक यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। जब आप भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं तो आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, पंडित जी क्या क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? अब जानते हैं कि गणेश जी के प्रतिमा के विसर्जन का तरीका क्या है। जिस दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है उस दिन प्रातः काल से उपवास रखना जरूरी है, या अगर आप उपवास नहीं रख पाते तो केवल जल और फल का सेवन करिए। घर में जो प्रतिमा आपने स्थापित की है उसका विधिवत पूजन करिए। पूजन में नारियल, शमी के पत्ते और दूर्वा जरूर अर्पित करें। इसके बाद प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाएं। अगर प्रतिमा छोटी है तो इसको गोद में ले जाएं मूर्ति को, या सर पर रख कर ले जाएं। और अगर गणेश जी की प्रतिमा बड़ी है तो कई लोगों की सहायता से हाथ में ले जाएं। प्रतिमा को ले जाते समय भगवान गणेश को जो अक्षत अर्पित किया था इस अक्षत को घर में बिखेर दें। चमड़े का बेल्ट, चमड़े के पट्टे वाली घड़ी या चमड़े का बना हुआ पर्स अपने पास में न रखें। नंगे पैर मूर्ति को ले जाएं और इसका विसर्जन करेंगे।
प्लास्टिक की मूर्ति या प्लास्टिक का चित्र ना तो स्थापित करिए और ना इसका विसर्जन करिए। मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है और मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन करना ही सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। विसर्जन के बाद हाथ जोड़ करके भगवान गणेश से कल्याण और मंगल की कामना करिएगा। अगर आपने अपने घर में मूर्ति स्थापित नहीं की है तो किसी और के साथ गणेश जी के मूर्ति विसर्जन में शामिल होइएगा और गणेश जी के प्रतिमा विसर्जन के बाद गणेश जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, अभी शांति और धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, विवाह आपका तय हो सकता है, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, कर्ज की समस्या में सुधार होगा, संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप सवाल भेजना चाहते हैं तो क्या करें हम आपको बताएंगे, उसके पहले बता दें कि आगे सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें। साथ ही ऐसा क्यों देखना ना भूलें, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीजों के बारे में शास्त्र क्या कहता है ये बताएंगे। और शुभ मंगल सावधान अवश्य देखें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब आपके सवाल की बात कर लें। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं?
आज का पहला प्रश्न हमें नम्रता जी ने लिखा है। नम्रता जी की जन्म की तारीख है 11 सितंबर सन 1999। जन्म का समय शाम के 4:43 और जन्म का स्थान है दिल्ली। नम्रता कह रही है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकेगी और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। नम्रता जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र की तैयारी करें। बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी और प्रयास करने पर साल 2025-26 में आपको सफलता मिलनी चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के आप धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। आज अनंत चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पंडित जी, आखिर इसमें क्या विशेष है, क्या महत्व है अनंत चतुर्दशी का? अब जानते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का और क्या महत्व है। चतुर्दशी पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और इस तिथि को अनंत चतुर्दशी कहते हैं और इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक पीले सूत का एक बंधन अपने हाथ में अनंत चतुर्दशी पर सुबह बांधा जाता है और जब व्रत समाप्त होता है तब इसको खोल दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के व्रत में नमक का सेवन नहीं करते हैं, दिन भर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत के पारायण में मीठी चीजें जैसे सिमई या खीर खाई जाती है। सुबह और शाम दोनों समय भगवान विष्णु की पूजा होती है और शाम को उनकी पूजा करने के बाद मीठी चीजों को ग्रहण किया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो जीवन की तमाम विपत्तियों से, तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसलिए अनंत चतुर्दशी पर सुबह और शाम दोनों समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, सेहत की समस्याएं दूर होंगी, धन का लाभ होता जाएगा, किसी अतिथि का आगमन होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। हम सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, तो जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए पंडित जी गणेश विसर्जन के समय क्या विशेष उपाय करना चाहिए? अब आपको बताते हैं कि जब आप गणपति की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तब ऐसा कौन सा उपाय विशेष कर लें कि जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिले। गणपति विसर्जन वाले दिन सुबह सुबह एक भोजपत्र या एक पीला कागज ले लीजिए, अष्टगंध की स्याही ले लें या नई कलम ले लें जिसमें नए लाल रंग की रिफिल हो, नई लाल स्याही की कलम ले लें, भोजपत्र या पीले कागज पर सबसे ऊपर स्वस्तिक बनाएं, इसके बाद स्वस्तिक के नीचे ओम गं गणपतये नमः ये लिखें, इसके बाद एक एक करके अपनी सारी समस्याएं लिखिएगा। जब आप अपनी समस्या लिख रहे हैं तो अपनी लिखावट में काट पीट मत करिएगा और कागज के पीछे कुछ मत लिखिएगा। समस्याओं के अंत में अपना नाम लिखिएगा और इसके बाद फिर गणेश मंत्र ओम गं गणपतये नमः ये मंत्र लिखिएगा। सबसे आखिरी में फिर से स्वस्तिक बनाएं, कागज को मोड़ करके रक्षा सूत्र से बांध लें और गणेश जी को समर्पित कर दें। इस कागज को भी गणेश जी की मूर्ति के साथ विसर्जित कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिन जिन समस्याओं के लिए आपने लिखा है उन तमाम समस्याओं से आपको जल्दी से जल्दी मुक्ति प्राप्त होगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि पूजा के समय धूप बत्ती जलानी चाहिए, अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, ऐसा क्यों? सामान्यतः ऐसा कहा जाता है
कि पूजा के दौरान अगरबत्ती जलाना बहुत अच्छा नहीं होता, उसके स्थान पे धूप बत्ती जलानी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाने का कोई धार्मिक मामला नहीं है। अगरबत्ती के अंदर बांस की तीलियां होती हैं और जब आप बांस जलाते हैं तो उससे लेड नाम का खतरनाक पदार्थ निकलता है जो भयंकर नुकसान कर सकता है। इसीलिए अगरबत्ती में बांस होने की वजह से अगरबत्ती जलाने को मना करते हैं। अगर लकड़ी की तीलियों की अगरबत्ती है तो आप बिल्कुल जला सकते हैं, और धूप बत्ती में चूंकि लकड़ी या बांस कुछ नहीं होता, इसलिए धूप बत्ती जलाना ज्यादा बेहतर है। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में लाभ की स्थिति बनेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य की समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में समस्या हो सकती है, जल्दबाजी में काम करने से बचें, अपनी वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी क्या है आज खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर 3, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 4, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर की समस्याएं हल होंगी। नंबर 6, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8,
रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 9, आज दुर्घटनाओं से सावधान रहें। अब वक्त है भाग्य पहर का। पंडित जी, आज के भाग्य पहर में क्या है खास, ये कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हल होंगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखें और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अगला प्रश्न हमें हरेंद्र जी ने लिखा है और हरेंद्र जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 अक्टूबर 1965। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है धनबाद, झारखंड। हरेंद्र जी लिख रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है और व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो अपना कर्जा चुकाने के लिए और व्यापार में उन्नति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हरेंद्र जी, आपकी कुंडली के अनुसार मार्च 2025 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू होगी और आप धीरे धीरे निश्चित रूप से कर्जा चुका पाएंगे। 2026 की शुरुआत तक आते आते आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और आपके कर्जे भी कम हो जाएंगे। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लें और रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब समय हो गया है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है विशेष? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो लाल मसूर की दाल खाकर जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर चिकित्सा के लिए जाना है तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए,
स्वास्थ्य बेहतर होगा, मन प्रसन्न होगा, काम की रुकावटें दूर होंगी, आज का दिन मंगलमय होगा, कन्या राशि वालों के लिए धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि के लोगों को, चोट चपेट लग सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।